मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊं। प्रॉब्लम थी मुझे, कम से कम 2 साल तो, 1.5 साल तो यहीं हो गए, ओके और 1-1.5 साल इंदौर हो गए। ओके कम से कम इंदौर में 15-16 ऑपरेशन कर डाले थे उन्होंने, और ओके जिसके बाद मैं यहाँ आया तो मुझे पहली बार में ही महसूस हो गया कि ठीक हो जाऊँगा मैं। इंदौर भोपाल एमपी से आए, जी एमपी से चाचौड़ा बिना तहसील के पास में है, 5 किलोमीटर, ओके। वहाँ से। तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले हुआ क्या था, कब्ज रहती थी, क्या होता था, पहले मैंने जानी फोड़ा हुआ है, फोड़ा हुआ था, फोड़ा ओके तो ऐसी गांठ बनी, उसको मैंने गुना फोड़वाया, उसे उन चीरा लगवा के मवाद निकलवा दी, फिर वो ठीक हो गई। ठीक है। जिसके बाद मैं फिर उठा, ऐसी गांठ फिर बनी, तो ये बंगाली रहते हैं ना, उनसे इंजेक्शन लगवा लिया, तो उसने ऐसा इंजेक्शन लगाया को और उल्टो पका दिया उसे, उल्टा पका दिया। जिसके बाद में फिर तो मैं इंदौर, हाँ, 8 दिन में ऑपरेशन करता था। तीन गांठें बताई थी, फिर सात सात बताए, सात गांठ है सात इंदौर उनने वाली, ठीक है। कही तो मैं धीरे 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 निकाल दूंगा, तो वो निकालता तो नहीं गया वो तो, और उल्टा इन्फेक्शन फैला न इन्फेक्शन जाने क्या बढ़ता हो गया। गया, पैर ऐसा कैसा ही रह गया, सीधा सीधा ही। मैंने कहा अब तो अच्छा, अपनी पैर कैसे हो गया था, सीधा सीधा ही रह गया, नब्बे भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ओके, बिल्कुल कड़क के कड़क ही रही पूरी चलने। इतनी पस बन गई थी, हाँ और ये वाले पैर में, जी, इसमें और कहाँ तक मवाद पहुँच गई थी, यहाँ तक, यहाँ दुखता था, यहाँ तक ओके, ऐसे ये कहीं पूरे भी घुटने नहीं। तक भी आ गई थी, हाँ यहीं तक, घुटने तक ही मानूं, एक गांठ यहाँ हुई थी ना। हाँ ओके, फिस्टुला यहाँ तक घुटने तक पहुँच गया था, पहुँच गया। फिर ओके। जिसके बाद में पहला ऑपरेशन हुआ तो फिर थोड़ा आराम मिला, बुखार तो पहले ऑपरेशन में चली गई थी, ओके, अब आप आए थे तब कितना वजन हो गया था, वजन तो सब कहीं घट गया था, 60 और 60 घंटा 48 के करीबन पहुंच गया। अच्छा पहले 60 था, 60 से 48 पहुंच गया था, 48 में मैंने कही अब तो अपनी मिल लो बाल बच्चों से, मेरी अब तो बिल्कुल कोशिश नहीं है घर से। आपको क्या लगता था तब जब आप लेके आए थे वहां से इंदौर से, तुमने सर ये कही थी नहीं कि मुश्किल ठीक होगा, तो मैंने कही कब ठीक नहीं हो, मेरे मन में मैंने सोच ली थी उस दिन, कुछ खाया पिया भी नहीं, अब नहीं हो, मैं नहीं मना कर सकते, फिर जांच वाँच करके नहीं तुमने बोला कि हो जाएगा, मैं ठीक जब थोड़ा विश्वास हुआ। फिर 6 ऑपरेशन 6-7 हो गए, उसके बाद में फिर मेरा मन फिर अट गया, मैं सही बोल रहा डॉक्टर साहब, मैं भी ओके बोला मैं ठीक हूँ। मैंने ये सोच ली थी मन की अब तो इलाज कराना अभी बंद कर दिए अपन, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो तुम ठीक कह रहे हैं नहीं कि नहीं होगा ठीक, तो फिर कहीं कराता भी नहीं मैं इलाज, यहाँ से नहीं होता ठीक, अच्छा, आपको ये लग गया था कि अगर यहाँ भी मना कर देंगे तो फिर कहीं कहीं ठीक नहीं होगा, कहीं ठीक नहीं होगा जी, या मैंने तो सोच हमने ली, सोच सोच ही ली थी ली थी ओके। तो जब आए कि थे तो तब सिचुएशन बहुत ख़राब थी, कर। दोनों दोनों हिप्स गले हुए थे, दोनों चूतड़ गल गए थे, हाँ ये बता, पूरा पैर यहाँ तक यहाँ फोड़ा सूख, बन गया था। यहाँ भी फोड़ा बन गया था, ठीक है। और वही फुसला जो लैट्रिन के रास्ते से एक तरफ ख़राब किया, दूसरी तरफ गलाया और पैर में पहुँच गया। अब ऐसी सिचुएशन में ठीक तो होता है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता, बट समय बहुत लगता है और आदमी डर जाता है, फिर उसको पेशेंट को समझ नहीं है कि कितनी बीमारी है, उसको तो लगता है कि मैं ऑपरेशन कराया आज और 4 दिन में या 15 दिन में या महीने में ठीक हो जाऊं। अब हमें पता है कि जो इतना गला हुआ है, दोनों हिप गल गए हैं, एक टांग आधी से ज़्यादा गल गई है, तो उसको रिपेयर करके उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा, और उसके लिए विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास पे डटा, मैंने कही मुझे इलाज करा मैं कराऊंगा, नहीं तो अब घर हो बैठे। सर मौत, विश्वास अपने 2 ऑपरेशन पहले से, 7वें ऑपरेशन से हुआ, नहीं तो जब तक तो देखो कहीं तो दूसरा फोड़ा हो गया, कहीं पीठ में हो जाए, कहीं मुंह में हो जाए। 2 साल से तो मैं बैठा ही नहीं था, कैसा ही भी कुर्सी पे, अब तो ऐसे पे बैठ जाता हूँ मैं ओके। जमीन। आसपास वाले भी देखने वाले कुछ बोलते हैं, अरे वो देखभाल नहीं पूछने आते हैं भैया, पूरे हम भी पूरे चलेंगे एरिया हम में भी जो हो गया चलेंगे, वो दिल्ली नहीं जाता, ठीक नहीं होता, ओके, तारीफ कर रहे सभी। कई तो यह बोलते हैं भैया हमें भी ले चलिए, है वो हमारे तरफ भी 5-25 हैं, वो भी वो और पैसा की वजह से नहीं आ पा रहे आगे, थोड़ा कभी दिल्ली आने से डरते भी होंगे। डरते पैरों हैं। में पहुंच गया था जब, ये पैर की नसों में आपको लग रहा था कि मेरी ये जांग पूरी गल रही है, गल रही तो फिर उस टाइम पे बुखार भी आता था,
बुखार आता था ना, बुखार आता था, मैं तो ऐसे सो जाता था, वो तो माइंड भी खराब हो जाता था कि वो तो गए अपन, कोई बचने के चांस ही नहीं है। एक हमारे यहाँ मर गया ना, इसलिए इसी बीमारी खत्म हो गया, इसी बीमारी से, इसी बीमारी 8 दिन में ही पकता था वो, तो वो खत्म हो गया। मैं तो वही सोचता था कि ये खत्म हो गया तो इतने एक दिन मुझे ले जाएगी ये बीमारी। फिर ऐसा मुझे आप तो भगवान के रूप में मिल गए था, जब तो कुछ घर वाले भी आसर छोड़ चुके थे कि किए, किसी से नेट पर देख के सर्च करके बात, वो भी बोल रहे थे कि के बार में ठीक हुआ, भैया हिम्मत मत हारना, ठीक वहाँ से होकर ही आओ। में सर्व चाँचोड़ा वाले ने हमारे थी जी एक ही बार में ठीक हो गए। कितने आपके साथ तो कितने आए हैं, कितने ठीक होके चले गए? हाँ जब से आपके साथ कितने लोग याद होंगे, हर कोई 5-25 साल, 25 से कम नहीं हो गए। हमें हर बेर मिलते हैं ठीक होने, कोई कहता है 5 बेर में, कोई 4 बेर में, कोई 5 बेर, लेकिन ठीक होकर ही जाते हैं। यहाँ एक जम्बू वाले आए थे, वो ठीक हो ही गए थे, वो भी बता रहे थे कि हिम्मत मत हारना बच्चे, ठीक होकर ही जाओगे। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, बता रहे थे।